कैंपस प्रोग्राम तुहाड़ा सब का स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं सिख नैशनल कॉलेज कादिया जिला गुरदासपुर, जो कि एफिलेटेड है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर एंड मैनेज बाय सिख एजुकेशन सोसायटी चंडीगढ़। विद्या का दारा एक कॉलेज जो कि बच्चों लिए किसी वरदान तो घट नहीं है। कॉलेज विखे अज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई के नाल नाल कल्चरल और धार्मिक गतिविधियों भी जोड़ा जाता है। कॉलेज में वक् वक् तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं। बी ए आर्ट्स 3 ईयरस, बी ए कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 ईयरस, बी एस सी नॉन मेडिकल 3 ईयरस, बी एस सी इकनॉमिक्स 3 ईयरस, बी एस सी कंप्यूटर साइंस 3 ईयरस, बी एस सी आई टी 3 ईयरस, बी सी ए 3 ईयरस, बी कॉम 3 ईयरस, एम ए पंजाबी 2 ईयर, एम एस सी आई टी 2 ईयर, पी जी डी सी ए 1 ईयर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 ईयर, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस 1 ईयर करवाए जाते हैं। कॉलेज का स्टाफ बहुत ही मेहनती तो तजुर्बेकार है। कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर हरप्रीत सिंह हुंदल जी बहुत ही मेहनती इंसान ने अते हमेशा ही स्टाफ और बच्चों को पूरा सहयोग देते हैं। पढ़ाई के नाल नाल कॉलेज विखे एंटी रैगिंग, कैरियर गाइडेंस सैल, NSS, NCC और होर वख वख तरीके दे फैसिलिटियां मौजूद ने। साई टीम ने कॉलेज की मैनेजमेंट नाल गलबात की, जिन्हां ने सानू कॉलेज बारे विस्तार नाल जानकारी दी। साई टीम ने इत्थों दे बच्चों नाल भी गलबात की, जिन्हां ने कॉलेज की बेहद तारीफ की। इत्थों पढ़ के बच्चे देश विच ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मल्ला मार रहे हैं। जेकर तुसीं भी अपना सुनहरी भविख बनाना चाहते हो तो सिख नैशनल कॉलेज कादिया जरूर पहुँचो। आओ लैके चलते हैं तुहानू सिख नैशनल कॉलेज कादिया जिला गुरदासपुर विखे। जी आया नू सारिया नू, सिख नैशनल कॉलेज कादिया विच तुहाडा सारिया का स्वागत है। तो अज असी थोनू अज कैंपस का टूर देन जा रहे हैं, तो जस्ट फॉलो अलोंग। साडे कॉलेज की लाइब्रेरी है जिथे तुसी वेख सकते हो काफ़ी शेल्व्स ने, ते हर विषय की किताबा इत्थे थोनू मिल जाएगी। तो इत्थे बैन का भी काफ़ी चंगा प्रबंध किया हो, जिवें देख सकते हो इत्थे गर्ल्स का ते मुंडिया का वक्खो वक्ख सैक्शन बनाए हुए हैं। इत्थे थोनू हिस्ट्री तो रिलेटिड, कंप्यूटर साइंस तो रिलेटिड, इवन हर लिटरेचर तो रिलेटिड थोनू बुक्स के शेल्व्स वेखन को मिल जाएंगे। इतने मैगजीनस वास्ते तुसी देख सकते हो काफ़ी रैक भी रखे हुए हैं, जिथे न्यूएस्ट तो न्यूएस्ट मैगजीनस तुसी आके प्राप्त कर सकते हो। इवन न्यूज़पेपर्स भी इतने सारे ही लैंग्वेजेस अवेलेबल ने, हिंदी से, पंजाबी से, एंड इवन इंग्लिश से भी ट्रिब्यून वर्ग अखबारा इतने थोड़ा अवेलेबल मिल जाएंगे रोज़। तो यह है साडे कॉलेज की केमिस्ट्री लैब। इतने तुसी देख सकते हो रैक्स ऑफ कैमिकल्स भी पे ने काफ़ी, तो इतने सारिया ही वो इक्विपमेंट्स थोनू वेखन लग जाएगियाँ, जिथे आके तुसी एक्सपैरीमेंट्स कर सकते हो। यह है साडे कॉलेज की मेन ग्राउंड और स्टेडियम, जिथे 400 मीटर का ट्रैक हैगा। तो इतें ही साडी सारिया स्पोर्ट्स मीट्स ते स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जांदियां ने। इस तरह यह साडी सैकेंड ग्राउंड है, इतने तुसी वेख सकते हो फुटबॉल की, फुटबॉल लई भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल ने। इस तरह साडा बास्केटबॉल का भी कोर्ट उत्थे ही हैगा, नाले क्रिकेट लिए भी इतने तुसी देख सकते हो कोर्ट अवेलेबल आ। तो इस तरह तुसी इधर देख सकते हो साडी कॉलेज दी बिल्डिंग द प्रॉपर व्यू। बट यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन विच इज सर्विंग। अगर आप गल कर रही है कि लंबे समय तो विद्या का दान जिहड़ा हैगा इस संस्था ने दिता, और इतों की लुमनी अज सारे वर्ल्ड दे विच मल्ला मार रही है, चाहे इंडिया हो चाहे फॉरन हो। एक ऐसा कॉलेज है जिन्हें ऐसे बुद्धिजीवी प्रोड्यूस किए हैं जो वर्ल्ड लैवल उत्ते शख्सियतें बन गई ने। तुसी एज ए लैक्चरर इतने सेवाएं अपने दे रहे हो, की कहना चाहोगे? जी सर, मेरा नाम अनुप्रीत है, मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट के बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। सो ये कॉलेज जो तुसी दस्या कि काफ़ी लंबे समय तो एजुकेशन दे विच बहुत वड्डा रोल प्ले करता आ रहा है साडा एरिया। मैं तो कादिया तो ही बिलोंग कर रही हूँ। तो इस पर्टिकुलर एरिया की जेकर गल करिए तो सिख नैशनल कॉलेज तो वधिया कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट साडे आले दुआले नहीं हैगा। सो जिवें कि ये टाउन एरिया हैगा, सो इत्थे दी जिहड़ी भी जिन्नी भी स्टूडेंट्स हैगे ने वो सारे इत्थे एजुकेशन दे लई आउंदे ने। बहुत वधिया टीम आ, प्रिंसीपल सर पूरी कॉलेज की टीम एक टीम की तरह ही सारे काम करते हैं। की कहना चाहोगे कि जिस तरीके का इस जगह के उत्ते को एजुकेशनल कॉलेज हैगा उसके बावजूद ही बच्चों के लिए इतने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता और पेरेंट्स के नॉर्म्स को पूरा किया जाता? जिवें तुसीं ऑलरेडी कहा कि को एजुकेशनल कॉलेज हैगा आ, साडे प्रिंसीपल डॉक्टर हुंदल गर्ल्स के लिए भी तो बॉयज़ के लिए भी इक्वली रोल प्ले करते हैं। बहुत वधिया टीम आ साडी। तो पेरेंट्स की जेकर गल करा तो जो भी साडे रिजल्ट आउट होंगे ने तो पेरेंट टीचर की मीटिंग होंगी है जी,
पेरेंट्स आ के अपने बच्चे बारे कोई भी इनफॉर्मेशन या जिदा उन्हों का अकेडमिक किदा का रहा उन्होंने होर जिहड़ियां इनफॉर्मेशन हैगी आ साडे जिहड़े ऑनर प्रिंसिपल सर हैगे ने या होर एचओडीज हैगे ने कंसर्न डिपार्टमेंट्स से उन्होंने को आके लै लेंगे। बेटा ये कॉलेज परसनैलिटी डिवेलपमेंट के उत्ते बहुत ज़्यादा ध्यान दिता कला बच्चों एजुकेशन ही नहीं उन्होंने माइंड सैटअप उन्होंने रहन सहन कि उन्होंने सोसायटी के विचरना कि उन्होंने गाह जाके अपने इंटरव्यूज देनिया और एक कॉलेज ऐसा है जिससे पहले ही जोड़ा है जॉब ओरिएंटेशन के लिए वक् वक् कंपनियों के नाल भी आने वाले समय में जोड़ा है कॉलेज टाई कर रहा है जिदा बच्चे इतों ही अपलाई कर रहे हैं। जी 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 अगर प्लेसमेंट की गल की जाए तो रीसेंटली साढ़े मैम टांगरा जी आए थे डॉक्टर प्रिंसिपल सुंदर सर की बदौलत तो उन्होंने सानू दस्या कि जिदा थोड़े यंग स्टूडेंट्स है जिन्होंने ग्रेजुएशन रीसेंटली पास की है तो वो साडे नाल आके कोलैब करके तो अगे अपने छोटे बिजनेस जेडे स्टार्ट कर सकते हैं तो छोटे इंटरप्रेन्योर की तरह अपनी जरा रोल या उपयोग कर सकते हैं। सुप्रिंट साहब विद्या दानी संस्था जिन्हें अज तक हज़ारों की गिनती दे विच ओ बच्चे पैदा किए ने जिन्होंने नाम कमाया केवल इंडिया च ही नहीं फॉरन के गल कर लिए जिस तरीके इतों की लुम्बनी है जिस तरीके इतों के पुराने जोड़े टीचर्स पढ़ा के गए ने या पढ़ के गए ने बच्चे एक बहुत व्डा एक जो सिख नैशनल कॉलेज की गल आती है तो क्योंकि पंजाब सारे च फैलिया हुआ लेकिन ये एरिया जो बॉर्डर एरिया आके इतने भी थोड़िया सेवावान जगिया वो किसी तो घट नहीं है और एक बहुत वधिया कॉलेज की तरह यह कॉलेज चल रहा और पिछले लंबे समय तो ग्रीनरी नाले लैस है आप देख सकते कि सारे पास ग्रीनरी ग्रीनरी और एक ऐसा मनमोहक नज़ारा जिमें आप किसी फॉरन के कॉलेज जाने होंने की कहना चाहते मैं ये कहना चाहता वा यह कॉलेज इस एरिए मोहरी कॉलेज है पहला भी सी हूँ भी है ये जोड़ा कॉलेज है पहला पार्टीशन तो पहला 1938 लाहौर में सी इस बनाने वाले महान शख्सियत प्रिंसीपल निरंजन सिंह उन्होंने ये कॉलेज शैबिश किया मास्टर भोला सिंह सरदार केर सिंह वर्गिया शख्सियत जीडिया कि पंजाब लैवल से पोलिटिक्स में सी उन्होंने ये कॉलेज शैबिश किया पार्टीशन तो बाद यह कॉलेज 1948 लाहौर च आया लाहौर तो इतने कादियाँ आ गई इस्टैबलिश किया एम जी एफ कम्युनिटी फिरके की बिल्डिंग है जिससे कॉलेज चल रहा वा यह कॉलेज इस एरिए जो कि पूरे ईवन पंजाब के साइड से गुरदासपुर बॉर्डर जोड़ा ईवन बटाला पठानकोट गुरदासपुर कोई कॉलेज नहीं होंगे तो यह कला कॉलेज से जोड़ा चल रहा है इस विच ईवन कांगड़े तो ईवन हिमाचल कांगड़ा हो गया ईवन जम्मू तो अमृतसर तो तीन ट्रेना से बच्चे बह के पढ़ने लिए इस कॉलेज आते हौली हौली लागे शहर कॉलेज खुल गए बटाले गुरदासपुर पठानकोट कॉलेज खुल गए ये फिर हौली हौली कॉलेज थोड़ा थान गया पर हूँ इस टाइम से यह कॉलेज का ना है इस कॉलेज में जिमें कि अपने शिक्षित इस कॉलेज ने इन्ने फौजी जनरल ईवन करनल जनरल इन्ने बंदे दिते ने लिस्ट तुम गिन नहीं सकते। सर तुम भी बहुत पुराने हो इतने और सब तो वही गल है कि इस कॉलेज कमर्शलाइजेशन नहीं है इस कॉलेज के जिदा कोई करोना का एपीडेमिक आया इन्ना औखा समा आया तो भी मैनेजमेंट ने ना तो कोई मुलाजम कढ़िया और ना ही किसी स्टूडेंट्स को रोस लिया की गल की पेरेंट्स के नाल कंप्लीमेशन करके जिदा होया इस कॉलेज ने हमेशा सेवा ही अपने मन च रखी और ही होंगी इस मैं तुम्हें एग्जाम्पल देना जी तुम गल की है इस साढ़े पिछे इस कॉलेज 2005 तो अं मतलब ट्रांसपोर्टेशन शुरू की थी तीन बसा चल रही थी उस असी बच्चों को मिनीम चार्जिज लै के बस चलाते रहे सानू उस बसा चलाने नियर अबाउट हर साल घटो घट 7-8 लाख का घाटा पैदा सी साड़ी मैनेजमेंट जी कि सिख एजुकेशन सोसाइटी जिसके प्रधान सरदार गुरदेव सिंह बराड़ सकत्र रिटायर कर्नल जसमीत सिंह बाला ने उन्होंने यो कहा कि यह साडा काम सेवा करना है लोगों ने ना कि पैसे कमाने हैं इसकी एक होर एग्जाम्पल तुम दस दिना साढ़े एम ए 2005 तो चल रही इतने एम ए दे विच हर साल असी अपने को नियर अबाउट 4-5 लाख रुपया अपने को पाईदा मैनेजमेंट खुद पा रही है उन्होंने कहा भी बच्चों गरीब बच्चों इस एरिए दे गरीब कुड़ियों सिक्ख्या दो सिर्फ नॉमिनल रेट से मैनेजमेंट करोगे असी सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये बच्चों को लैके एम ए करा रहे हैं
इन्ने साल तो हर साल 5 लाख रुपया गुणों पाईदा है। बेटा यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कॉलेज, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की जो स्टडी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कहना चाहेंगे कि एक वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? फैसिलिटीज पूरी है, जितनी कि हमारा कोर्स है BCA का, तो हमें पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे। हमारे कोर्स के रिलेटेड पूरी स्टडी करवाई जाती है बहुत अच्छे तरीके से, जो हमें चाहिए नॉलेज जितनी चाहिए उससे ज़्यादा दी जाती है। और यहाँ की फैकल्टी जो कि पूरी तरह से PhD है और हमेशा पॉइंट में रहती है जी, अच्छी है स्टडी, बहुत अच्छी है। बेटा हाउ यू फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हो आप इस कॉलेज में? बहुत अच्छा, 1 ईयर हो गया यहाँ पे है, कॉलेज बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है। और एज फार एज ग्रीनरी इज कंसर्न, हम देख सकते हैं कि पूरा ग्रीनरी से लैस है और ऑक्सीजन की जैसे कोरोना में हमें वैल्यू पता चला, लगता है कि है। यस आप देख ही रहे हो कितनी ग्रीनरी है, बहुत ऑक्सीजन का बढ़ा है। कितना पढ़ाई है सर? बहुत बढ़िया पढ़ाई है, हम टीचर फ्रेंडली तौर पे ट्रीट कर देना है। बेटा की कहना चाहोगे प्लस टू के रिजल्ट आने वाले ने, 10th के रिजल्ट आने वाले ने, कि अगर बंदे ने चूज करना था इस एरिए च केड़ा कॉलेज चूज करना? एसएन कॉलेज ही यूज करना, ये सब तो बढ़िया कॉलेज है, सारी फैसिलिटी मिलती है इतने प्रोवाइड होती है। और तुसी सारे बच्चे जड़े हैगे आ वो कला पढ़ाई नहीं, इतने प्रिंसीपल सर टीचर जिदा गाइड करते हैं परसनैलिटी डिवेलपमेंट लिए हरेक चीज़ इतने। हाँ जी हाँ जी। बेटा कितना महसूस करते थे कॉलेज? बहुत ही वधिया सर करते हैं, वधिया पढ़ाई है, सब कुछ वधिया है। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਲਕਿ ਟੀਚਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟਾ ਫੀਲਿੰਗ ਕੈਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈ? ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਕੋਲੇਜ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਟੀਚਰ। ਕੌਨ ਸੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੇਂ ਆਪ ਸਰ? BCA ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੈਸੇ ਸਰਪਲਸ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੇਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਜਾਤੇ ਹੀ ਜੋਬ ਮੇਂ ਹੋ ਜਾਗੇ? ਹਾਂ ਕਰ ਤੋ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ? ਵਧੀਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖੜਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਫੀਸ 'ਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਰ। ਬੇਟਾ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ ਇਸ ਕਾਲਜ ਮੇਂ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਯਹਾਂ ਕਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇ ਸਭੀ ਫੀਲਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਹੈ ਹਮਾਰਾ, ਜੈਸੇ BCA ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੇ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਕੋ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਨਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਸਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬੇਟਾ ਹਾਉ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੈਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਟੀਚਰਸ? ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 10th ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕਰਨ? ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਜੋ ਵਿਲੇਜ ਆ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸਮ ਪੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਰਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਕਾਲਜ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਦਿਖੋ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੇਟਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਭ ਦੇ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਦੱਸ
साहब ये विद्या का दानी कॉलेज जरा बिफोर पार्टीशन सेवावान जड़िया करनी शुरू की इस कॉलेज ने और अब आप देख सकते हैं कि मोहरी कॉलेज है जिन्हें बहुत सारे बुद्धिजीवी बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे मिनिस्टर्स बहुत सारे MLAs मतलब इस कॉलेज ने एक ऐसा नैटवर्क दिता कि लुमनी जी वर्ल्ड क्लास है और तुसी इत्थे सेवा अपनी दे रहे हो एज ए सैकटरी की कहना चाहोगे कि वह बूटा जो लाया उदो भी विद्या का दान सी और अज तक फिर लोगों के हेल्प के नाल जिदा जड़े इंसान चाहते हैं कि असी अपने इस कॉलेज नू रन करते रहना क्योंकि माड़े हालात ने बड़ा औखा हो गया प्लस टू तो बाद बच्चे प्लैन कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं वो बावजूद भी यह कॉलेज पूरा सर्वाइव कर रहा है की कहना चाहोगे सिख नैशनल कॉलेज जरा इस टाइम कादियां दे विच चल रहा है सब तो पहला 1938 दे विच लाहौर दे विच चालू किया गया सी बड़िया उस टाइम भी बड़िया मुश्किलों के लिया के प्रिंसीपल नरिंजन सिंह होर ने इन्होंने एक सुसायटी बनाई सिख एजुकेशन सुसायटी जी लाहौर दे विच चालू की गई उस सुसायटी के अंडर एक कॉलेज बनया अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन हुई कॉलेज उतों छड़ना पाया कॉलेज सू सिख नैशनल कॉलेज लाहौर वाला और यह कॉलेज कादियां दे विच आन के शुरू किया गया ये क्योंकि अहमदिया जमात की बिल्डिंग सी उस टाइम लेकिन मास्टर तारा सिंह सरदार खड़क सिंह प्रिंसीपल हरकृष्ण सिंह जी बावा प्रिंसीपल नरिंजन सिंह इन्हें सारे रल के एक कॉलेज में इतने चालू किया कॉलेज बुलंदिया दे पहुँच गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट यही एक कॉलेज है जिदियाँ अपन ग्राउंड ने 27 acres की जगह हैगी है टोटल ये एक स्विमिंग पूल भी है और फायरिंग रेंज जिथे गए जी NCC वाले बच्चे इतने क्लीयर करके आर्मी च भी गए हैं डिफेंस सर्विसेज दे विच गए हैं आर्मी नहीं सिर्फ आर्मी दे विच नहीं नेवी और एयरफोर्स दे विच भी गए इतों के ज़्यादा बच्चे आर्मी च जाके वड्डियां वड्डियां पोजिशन के उत्ते पहुँचे एयरफोर्स इस कॉलेज का एक स्टूडेंट एयर वाइस मार्शल तक भी पहुँच गया इस तरह ही डॉक्टर्स इंजीनियर्स प्रिंसीपल ये सारे इस तो एजुकेशनिस्ट भी बने ये कॉलेज बड़ा वधिया चलता रहा लेकिन हालात इदा के आए पहला 1984 तो पहला के जो हड्डे अतवाद के हालात से उसने इस कॉलेज में कि पंजाब में ही डाउन किया उस टाइम का लेकिन फिर भी असी लोग इस कॉलेज में चलाने वास्ते अपना पूरा जोर लगाते रहे अज भी भावें बच्चे प्लस टू तो बाद बाहर जाने की कोशिश करते हैं और जा भी रहे हैं क्योंकि जिदा के पंजाब के हालात ने नौकरियां नहीं है या वैसे भी बच्चों का ट्रेंड बन गया ये कॉलेज साढ़े जेडे पुराने एलूमिनी ने साढ़े जेडे पुराने बाहर बैठे दे इतों के टीचर्स इतों के स्टूडेंट्स जेडे बैठे दे ने वो साड़ी हेल्प भी करते हैं पे और असी इस कॉलेज में फिर उस तरीके लियाने की कोशिश कर रहे हैं जिदा ये पहला स्टार्ट होया 1947 तो बाद अज भी साढ़े बच्चे स्पोर्ट्स के आ रहे हैं साढ़े बच्चे जड़े ने एजुकेशन भी आ रहे हैं साढ़े बच्चे जड़े ने अगर तरक्या करके बाहर भी जाके तरक्या करते हैं पे ये नहीं कि सिर्फ ये पंजाब के ही ने बाहर इंडिया के भी जाके बच्चे जड़े ने वो तरक्या करते हुए पहुँच रहे हैं पोजिशन के उत्ते पहुँच रहे हैं और अभी पूरी आस न ये जोश न और आस न ही बैठे इस काम को चला रहे हैं एज ए लोकल कमेटी का मैं लोकल मैनेजिंग कमेटी का सैकटरी होने करके साड़ी टीम अपनी लोकल मैनेजिंग कमेटी बड़ी वधिया है सानू पूरी सपोर्ट है सिख एजुकेशन सोसायटी चंडीगढ़ वाले की उत्थे इस टाइम साढ़े जिहड़े प्रधान ने सरदार गुरदेव सिंह जी बरार रिटायर्ड IAS अफसर ने और नाल उन्होंने प्रिंस कर्नल जसमेर सिंह जी बाला जिहड़े सैकटरी ने जॉइंट सैकटरी साढ़े चीमा साहब ने वो पूरी टीम SCS जी वो इस कॉलेज में तरक्कियां उत्ते ले जाने वास्ते साडा पूरा साथ दे रही है सानू कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है वो सानू गाइड करते हैं बराड़ साहब भी बाला साहब भी ये सारे गाइड करते हैं इंजीनियर सुरिंदर सिंह विरदी जेडे कि ज्ञानी जैर सिंह और सामने ला ने वो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स रह चुके हैं प्री इंजीनियरिंग करके उन्होंने इंजीनियरिंग की अज हमदर्द ट्रस्ट के भी ट्रस्टी ने और होर भी उन्होंने चंडीगढ़ के बड़ी तरक्या की इस तरह बड़े लोग जेड़े इस कॉलेज तो पढ़ के अज उस तरक्या के बुलंदियों में पहुँचे ने असी पूरी आस नाल इतने बैठे हाँ कि कॉलेज इदा ही थले नहीं आते बेशक हालात जिदा के मर्जी होम साड़ी प्रिंसिपल साहब हुंडल साहब
और लोकल कमेटी के नाल नाल सानू पूरी सपोर्ट जी एस सी एस की आ रही है वह कॉलेज थले नहीं आने देंगे तरक्या दे लिया होगी। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल के कैंपस प्रोग्राम थोड़ा स्वागत है। अज असी आए हैं विद्या देदानी सिख नैशनल कॉलेज और गल कर रहे हैं इतने प्रिंसीपल साहब के नाल एक ऐसी शख्सियत जिन्हों का जन्म जोड़ा है वो उस परिवार चो जे कला के नाल भरपूर जोड़े ऐसे इंसान जिन्ह का नाम जोड़ा है बहुत ही सत्कार लिता जाता हुंदल साहब उन्होंने बेटे ने डॉक्टर साहब स्वागत है थोड़ा साढ़े स्पैशल शो च। शुक्रिया जी। डॉक्टर की कहना चाहोगे कि जिस तरीके दे नाल असीं बच्चों नाल गल की जिस तरीके नाल टीचर नाल गल की ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिहड़ा जिदा सर होर ने दस्सिया कि बड़ी लंबे समय तो चलता हुण अज तुसीं हमेशा क्रिएटिव रहिंदे हो कदे इस कॉलेज की तरक्की नूं रुकण नहीं दित्ता हुण की कर रहे हो इन्ना समय दे विच जदों बच्चे लियाउणे बड़े औखे हो गए आ की कर रहे हो? तुसी बहुत सोहना तुसी सवाल किया वा। ये कॉलेज एक अमीर इतिहासक परंपरा रखने वाला कॉलेज वा। बड़े महान सिक्ख्या शास्त्री इस कॉलेज के मोहरी रहे ने जिन्हां दे विशेष करके ना जिहड़े मैं जरूर तुहाडे इस चैनल राही सांझे करने चाहवांगा प्रिंसीपल नरंजन सिंह जी बाबा हरकृष्ण सिंह जी इहोजिहां जिहड़ियां इह शख्सियतां वा इस कॉलेज के स्थापित प्रिंसीपल रहे ने। इस कॉलेज की महान विरासत इस कॉलेज के पिछे एक प्रबंधक वजो कार्ज कर रही सिख एजुकेशन सोसायटी इतों की स्थानक प्रबंधक कमेटी ये जिदा दियाँ अमीर परंपरावां वा इन अमीर परंपरावां दे उत्ते पहरा देंदे हुए असी रियाड़की दे इलाके दे इस कॉलेज दे विच उचेरी सिक्ख्या दे खेतर दे विच असी नवीं पुलांग जिहड़ी आ उह पुट रहे हां। ये कॉलेज बिल्कुल ये गल दुरुस्त आ कि ये कॉलेज एक इस इलाके दे विच एक विलखणता रखता वा। इस कॉलेज की इस विलखणता कारण ही इस कॉलेज ने राजनीति दे खेतर दे विच आर्मी के खेत्र के उच्च सेनावान के खेत्र के सिक्ख्या के खेत्र के जड़े आ बहुत महान जड़िया शख्सियतावान विद्यार्थी आ वह पैदा किए आ वह विद्यार्थी ये विरसा हमेशा साड़ी पिठ पिछे एक इतिहास के वांग खलोता हो जिस तू असी जड़ा रहनुमाई लैके असी सिक्ख्या के खेत्र के विचर रहे हाँ तो साड़ी पहल होंगी है कि इस खेत्र के पेंडू खेत्र के इस सरहदी खेत्र के विद्यार्थियों उन्हां दी पहुँच के उचेरी सिक्ख्या जिहड़ी आ उह असी इन्हां प्रबंधकां दे सहयोग दे नाल हमेशा उन्हां तक असी पहुँचाईए ये साडा हमेशा ही ये एजेंडा रहा वा। असी इहदे ते जिहड़ा वा लगातार असी काम कर रहे हाँ। ये कॉलेज एक इस कादियां दे इतिहासक कस्बे दे सारे ही लोगों का एक सांझा कॉलेज आ। सानू इस कॉलेज दे हर वर्ग वालों सानू सहयोग मिल रहा वा वो सहयोग सानू एक नवी ऊर्जा जिहड़ी आ वो दिंदा है। सर सिख नैशनल कॉलेज नाम लेकिन चौहों वारां दा सांझा जिस तरीके दे नाल असीं देखिया कि मुस्लिम दे बच्चे हिंदुआं दे बच्चे क्रिश्चनां दे बच्चे सिखां दे बच्चे ये चौहों वर्णां दा इह सांझा कॉलेज आ जिथे सेवा जिहड़ी हैगी आ उह इक्को ही मिशन दी दित्ती जांदी आ कि तुसीं इक्को ही हो सारिआं ने और उस दे उत्ते वी इम्फसाइज़ कीता जांदा उहनां नूं जॉब ओरिएंटेड माइंड उहनां दा बनाउण दे लई उहनां नूं अज कल दे युग दे नाल जोड़न दे लई चाहे उह बी एल ए स्टूडेंट आ उदों ही तुहाडीआं कलावां जिहड़ीआं जिद्दां तुसीं उहनां नूं कौंसल करदे हो अपने टीचर्स नूं कि भाई आपां इहनां नूं जॉब ओरिएंटेड बना के भेजणा और उह जिहड़ी कौंसलिंग हैगी उहदे नाल बच्चिआं 'च इक नवां जोश पैदा हुंदा। बिल्कुल जी। साढ़े कोल इस वेले साढ़े जिहड़े हैगे ने चार वन सवन्ने जिहड़े कोर्स ने जिन्हां च आर्ट्स आ साड़ी बी एस सी आ नॉन मैडिकल साढ़े कोल कमर्स वा ते जिहड़े हैगे आ बी एस सी बी सी ए बी एस सी आई टी कंप्यूटर साइंस के कोर्स आ इन्हां दे विच ये सारिया ही ये सारे वर्गों के बच्चे जिहड़े साढ़े कोल पढ़ते आ। साड़ी हमेशा ये कोशिश हुंदी आ कि इस किताबी ज्ञान के नाल नाल जीवन का ज्ञान जीवन का अनुभव भी साडे विद्यार्थियों को प्राप्त होवे तां कि वह जीवन के विचरदिया हो किसी भी खेत्र के बड़ी सफलता के नाल विचर सकन। मेरे को साडे इस कॉलेज के बहुत काबिल अध्यापक ने हर विषय के माहर अध्यापक ने जिवें खास करके तुसीं कीता कि ये कादियां एक इतिहासक शहर आ कस्बा वा अहमदिया फिरके नाल संबंधित ये जिहड़ा वा इस कॉलेज दे विच बड़ियां इतिहासक उन्हां दियां यादगारां ने उन्हां दे स्थान ने
तो इस कॉलेज के इस फिरके दे विद्यार्थी तो इस फिरके दे काबल अध्यापक साड़ी संस्था दे विच कम करते हैं। साड़ी निरंतर कोशिश होंदी आ किताबी ज्ञान दे नाल नाल जीवन का बाही ज्ञान भी जिहड़ा विद्यार्थी नूं दित्ता जावे तां कि जिंदगी दे विच देश विदेश दे विच विचरदिआं होइआं उह ज्ञान उहनां नूं जिहड़ा सफाई सिद्ध होवे। सर सिख नैशनल सोसाइटी जिहड़ी एक मिशन ही उन्हों का विद्या का दान है जिदा इतों के तहे लोगल आप गल कर लीए जोड़े ऑफिशियल ने वो अपनी जेबा के पैसे पाते हैं वो अपने बजुर्गों यादा के इतने फंडस देते हैं। उन्होंने कदे यह नहीं सोचा भी इस कॉलेज तो अभी कुछ लैके जाना उन्होंने हमेशा मन यह हों कि सेवा का केंद्र आ असी बच्चों के लिए एक विद्या का दान खोलिया और उ दान के योगदान आप भी पाते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करके उन्होंने भी पाते। बिल्कुल जी, इस कॉलेज नूं अपने दानी सज्जणां दे उत्ते हमेशा ही माण रहा वा। साढ़े कोल 8 दे करीब परिवार ने जिहड़े स्कालरशिप दे रहे ने जिन्हां दे विचों सरदार तृप्त रजिंदर सिंह जी बाजवा परिवार वल्लों एक स्कालरशिप स्कीम जिहड़ी आ उन्हां ने अपने परिवार वल्लों शुरू कीती सी। इस तरह के करीब 7 दे करीब साढ़े कोल जिहड़ियां इह स्कालरशिपां जिहड़ियां चल रहियां जिन्हां दे राही असीं गरीब बच्चों की जिहड़ी आ असीं मदद करदे आ। डॉक्टर परचरणजीत सिंह पाटिया होरां दा हमेशा ही यह यतन हुंदा वा अपने कोलों ते अपने दोस्तों के कोलों देश विदेश दे विच रहिंदे दोस्तों के कोलों हमेशा ही इन्हां गरीब विद्यार्थियों के लिए जिहड़े आ ना वह पैसे का प्रबंध करते हैं। बड़ी सानू खुशी हुंदी आ कि साडे सेवा मुक्त अध्यापक जिहड़े कनेडा दे विच इस वेले रह रहे ने प्रोफेसर दौलत राम शर्मा जी उन्होंने अपने परिवार वालों दसवंध के रूप के कॉलेज के खिडारियों दारिया फीसा जीडिया वा वो अपने कोलों दे रहे हैं। उन्होंने एक स्कालरशिप शुरू की आ तो इस तरह के साडे होर भी काफ़ी परिवार ने जोड़े सानू इस तरह की मदद करते हैं। सिख एजुकेशन सोसायटी जिदे प्रधान सरदार गुरदेव सिंह जी बराड़ सबका IAS ते करनल जसमेल सिंह जी बाला सकत्तर सिख एजुकेशन सोसायटी वालों हमेशा यह कोशिश होंगी आ कि रियाड़की दे इस पहले कॉलेज में सिख नैशनल कॉलेज साड़ी सिख एजुकेशन सोसायटी की पहली संस्था वा जिन्हें विकास किया तो साड़िया इसलिए संस्थाव जीडिया वा वो सिक्ख्या के खेत्र दे विच विचर रही वा हमेशा साड़ी सहायता दे विच उन्होंने साड़ी वध तों वध सहायता की आ। तो असी गरीब विद्यार्थियों की होनहार विद्यार्थियों की असी जी असी सहायता करते हैं। कभी सानू कोई मुश्किल पेश नहीं आई असी इन्हां दानी सज्जणां दे सहयोग दे नाल असी विकास कर रहे हैं। सर प्लस टू के जोड़े रिजल्ट है वो डिकलेयर होने वाले ने 10th के रिजल्ट जोड़े डिकलेयर होने वाले ने की कहना चाहोगे कि बच्चा अगर वो प्लस टू तो बाद कहते कि असं IELTS करा नो डाउट IELTS कर लेकिन अगर जो तक उन्होंने कोई ट्रेंड नहीं है जो तक उन्होंने जॉब ओरिएंटेशन नहीं जो तक जिदा तुम BCA के कोर्स शुरू किए कंप्यूटर के कोर्स शुरू किए डिग्रीज किया है कि कहना चाहोगे कि अगर वो स्किल लेके जाए एक तो मैंटल डिवेलपमेंट जो है प्लस टू वाले बच्चे का बहुत थोड़ा होंगे एक नवे कंट्री जाना तो की कहना चाहोगे कि अच्छे उन्होंने कल ही नहीं करनी चाहिए मापिया बाद पछताते हैं जो देखते हैं कि बड़िया प्रॉब्लम्स का सामना करना पैंता जो कल ही IELTS के नंबर लैके चले जाते हैं लेकिन उन्होंने कोई स्किल नहीं होंगी। बिल्कुल ये इस वेले पंजाब के लिए यह संकट आ कि हर विद्यार्थी हर परिवार अपने बच्चों बाहर उचेरी पढ़ाई के लिए घलना चाहता वा पर यह समझ की लोड़ वा कि प्लस टू पास बच्चा उत्थे जाके की करेगा किन्ने साल स्टडी करेगा यह गल समझ की लोड़ आ समझाने की लोड़ आ। असी हमेशा बच्चों के नाल इस विषय के उत्ते डायलॉग करते हैं कि तुसी कोई उचेरी सिक्ख्या कोई तुसी तकनीकी सिक्ख्या लैके तुसी उत्थे जाओगे तो तुसी कोई चंगी उत्थे जिहड़ी हैगी आ कोई जॉब प्राप्त कर सकते हैं जा तुसी उत्थे जाके तुसी एक साल स्टडी जारी कर सको उस तो बाद तुसी लेबर करो बहुत मुश्किल आउंदियां ने। हुण तो चलो अगे तो असी जिहड़े हैगे सीगे सफरनामे राही उत्थों दे जीवन दे बारे कोई ज्ञान प्राप्त करते सीगे हुण अजकल सोशल मीडिया राही आम लोगों के उत्थे तक पहुँच के सानू उत्थों दियां जिहड़ियां असल उत्थों दे जीवन का असल यथार्थ जिहड़ा वा उह सानू नज़र आउंदा वा वी इह बच्चियां नूं किन्नियां मुश्किल आउंदियां वा इन्हां मुश्किलां दे विच विचरदियां होया हर व्यक्ति विशेष बाहर जाना चाहता पर नहीं इत्थे भी बच्चों के लिए वधिया भविख हैगा वा इत्थे भी बच्चे जीवन दे विच विकास कर सकते आ उचेरी सिक्ख्या लैके जे उन्होंने उचेरी सिक्ख्या दे लई बाहर जाना वा घट्टो घट बेसिक क्वालिफिकेशन तो उन्होंने कोल जरूर होवे किसी विषय की महारत होवे फिर जाण दे विच कोई जिहड़ा वा कोई किसी किस्म का कोई शंका नहीं आ। इह सानू पंजाबियों नूं थोड़ी जी समझण की लोड़ वा लोग सुचेत हो रहे हैं लोग
इस गल तो जड़ा वा जाणू हो के बहु गिणती पढ़िया लिखा वर्ग जड़ा वा उचेरी सिक्ख्या इस हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे विच जड़ा वो प्राप्त कर रहा। सर की कहना चाहोगे कि ग्रीनरी नाल लैस एक कॉलेज जड़ा 27 acres दे विच इह जिहे खुल्लियां ग्राउंडां की कहना चाहोगे? हुण बच्चिआं ने अगर भविष्य नूं देखना तां ओह देरी ना करन, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाउण। जिहड़ियां पहलियां रजिस्ट्रेशनां तुहाडियां 100, 150, 200 उन्हां 'च तुसीं खास उन्हां बच्चिआं नूं प्यार भी करदे हो, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी दे रहे हो, की कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये कॉलेज बड़े वधिया विद्यक माहौल दे विच विचर रहा वा। इत्थों दे हरियावल, इत्थों दा वातावरण बहुत ही शानदार ये माहौल आ। तो असी अपने अजकल यूनिवर्सिटी दीआं प्रीख्यावां चल रही वा, असी अपने आने वाले होनहार विद्यार्थियों बड़ी बेसबरी दे नाल असी उडीक कर रहे हैं। ये कॉलेज विद्यार्थियों के विकास लई, ये कॉलेज व्यक्ति है इन्हां विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए, नैतिक सिक्ख्या के लिए हमेशा ही जिहड़ा वा यतनशील रहा वा। असी अपने नवें विद्यार्थियों नूं ये बेनती करनी चाहुंदे कि तुसीं एडमिशन लैण तों पहलां उस संस्था के बारे जरूर जाणो, उस कोर्स बारे जरूर जाणो जिस संस्था के विच तुसीं दाखला लैणा वा। उस संस्था विद्यक मियारां दे उत्ते खरी उतरदी आ कि नहीं उतरदी, ये जरूर वाचण की लोड़ हुंदी आ। जदों तुसीं इन्नी क इस संस्था नूं, इस जिस संस्था 'च एडमिशन लैणा वा, उहनूं जे तुसीं वाचण दे प्रति तुसीं सुचेत हो जाओगे, फिर तुसीं चंगी उच्च सिक्ख्या जिहड़ी आ प्राप्त कर सकदे आ। सिख नैशनल कॉलेज करदीआं इस खिते दे विच एक प्राणी ते इतिहासिक संस्था वा, जिहदी कहनी ते करनी दे विच कोई फर्क नहीं हैगा। ये उन्हां महान शख्सियतां दी याद नूं हमेशा ही तरोताजा रखदी हुई विकास दा पड़ा जिहड़ा तय कर रही आ। असी इन्हां बच्चिआं नूं इस कॉलेज दे विच दाखला लैण दी असी अपील करदे हाँ, तो वो जीवन दे विच होर विकास कर सकन। थैंक यू सर, शुक्रिया। सर हरेक संस्था का जिहड़ी बैकबोन आ वह NCC और कंप्यूटर्स, और तुसीं उन्हां दोनों नूं हैडन कर रहे होगे इत्थे इस कॉलेज दे विच, की कहना चाहोगे कि अज्ज दी जिहड़ी मॉडर्न जिस तरीके दे नाल बच्चों की पहुँच है मॉडर्न, और बच्चों अज्ज हर डिपार्टमेंट कंप्यूटर चाहिए है, और उन्होंने फिजिकल फिटनेस लिए जी NCC चाहिए है, की कहना चाहोगे? सर जिस तरह आप देखिया पिछले कुछ समय दौरान दुनिया च महामारी आई है, तो दो चीज़ा बहुत ज़्यादा उभर के आईया, एक तो अपनी फिजिकल फिटनेस, सेहत सब तो पहला जरूरी आ, उस तो बाद सारे काम तुसी देखिया ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन के पिछे बैकबोन सारी कंप्यूटर IT इंडस्ट्री सी। साड़ी कंप्यूटर IT इंडस्ट्री ने इन्ना क रेवोल्यूशनाइज किया कि हर बच्चा हर घर तुसी देखिया ऑनलाइन एजुकेशन पहुँच चुकी है। इस तरह हर बंदे नू अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, सेहत लई फिजिकल फिटनेस आ। फिर साड़ी NCC जिहड़ियां एक्टिविटीज़ आ वो बच्चे नू यही दसदियां, जिवें हुण रिसेंटली योगा डे हो गया हटिया, जां साडे एडवेंचर कैंप्स लगदे आ। रिसेंटली मेरे बच्चे माउंटेनियरिंग लई मध्य प्रदेश जाके आए आ, स्काई डाइविंग लई जांदे आ, पैरासेलिंग लई पैराग्लाइडिंग लई जांदे आ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिहड़ियां उहनां 'च करेज पैदा करदियां आ, कॉन्फिडेंस पैदा करदियां, और अपने आप नू फिजिकली फिट रखदे। इहदे नाल नाल जदों दी साडे कॉलेज 'च NCC शुरू होई आ, बहुत सारे इस इलाके दे विच आर्मी नूं असीं ऑफिसर पैदा करके दिते आ। बहुत सारे साडे रिटायर्ड ऑफिसर जिहड़े कॉलेज दे एक्स स्टूडेंट ने, ते हुण वी जिहड़े बच्चे कर रहे आ उहनां नूं रीसेंटली मेरे 3 स्टूडेंट्स नूं SSB कॉल लैटर आई है, जिहड़ी ऑफिसर लई डायरैक्ट इंटरव्यू हुंदी आ, उहनां दा रिटन टेस्ट माफ हो जांदा है। सर की कहना चाहोगे कि एडमिशन वाला टाइम और बच्चे जिहड़े हैगे प्लस टू दा एग्जाम आने वाला, रिजल्ट आने वाला, अगर उन्होंने ज्वाइन करना तो वह किस माणमती इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करे? देखो जी, साढ़े इंस्टीट्यूशन सिख नैशनल कॉलेज कादियाँ विच हर तरह की फैसिलिटी हैगी आ। बाकी अजकल कंपीटिशन का युग आ, जे आप कही कि असी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट हाँ तो भी गल नहीं बनती, सानू हर अपनी ऑलराउंड डिवेलपमेंट करनी पेगी। ऑलराउंड परसनैलिटी डिवेलपमेंट लई सानू एक्सट्रा एक्टिविटीज़ करनिया पैणगियां। जो असी कितें जॉब लैण लई जाने आ, सानू अगला बंदा जिहड़ा एम्पलॉयर आ साडा वो चूज़ करन लगे ये देखता कि तुहाडे कोल एक्सट्रा की आ। सर्टिफिकेट तो सारे कोल हुंदे आ, ग्रैजुएशन प्राइवेट भी लोग कर लेंगे आ, बट जिहड़ा साडे कोल एक्सट्रा एक्टिविटीज़ असी करनिया वो रेगुलर एजुकेशन दे नाल लै के ही हो सकदियां। बड़ा यूर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और बड़े जिदा बड़ा माण हैगा कॉलेज नूं तुहाडे उपर। की कहना चाहोगे कि इस कॉलेज ने ये माण योग तुहानूं बनाया, जिस कॉलेज विच तुसीं पढ़े इत्थे विद्या दा दान दित्ता, की कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं तो कहना कि मेरे जिन्नी भी मैं अचीवमेंट्स प्राप्त कीतियां ने लाइफ 'च, उहदे 'च कॉलेज का बिल्कुल बहुत अहम रोल रहा है। मेरे टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली ने,
तो जिवें का इनवायरमेंट मैं इतने आन के मिलिया सीगा आई थिंक वो काफ़ी जड़ा है डिकटेट करता है कि थोड़ी लाइफ किमें दी होगी। टीचर्स फ्रेंडली होने कारण मैं कदे कोई चीज़ पूछने से झिझक नहीं हुई ता ही ये जड़ा इनवायरमेंट सीगा इसने काफ़ी इफेक्ट किया काफ़ी इंपैक्ट पाया मेरी लाइफ से बस इस करके ही मेरी अचीवमेंट्स जड़िया ने मैं हासिल कर पाया। सर अज की चुनौती कि अपना यूथ बाहर जा रहा है और जिस तरीके दे नाल अज ओवरलैपिंग हो रही है हर चीज़ की तुसी इस माणमती इंस्टीट्यूशन दे विच जिहड़ी पार्टीशन तो पहले दी सेवा कर रही हैगी इत्थे अपनियां सेवां दे रहे हो की कहना चाहोगे कि अज बच्चों भविष्य के लिए इंडिया नू चूज़ करना चाहिए। इंडिया अगे लोग कहते सीगे कि अंग्रेजों ने सानू गुलाम बना लिया हुण आप जाके असीं फिर जा रहे हैं उही काम कर रहे हैं की कहना चाहो। सर इस तरह है बाहर जाने च जिहड़ा है वो कोई इन्ना वड्डा इशू नहीं है पर जे बच्चे का बेस स्ट्रोंग होवे बच्चा अच्छी क्वालिफिकेशन लैके इत्थों जाए और उत्थे हायर एजुकेशन जिहड़ी है वो अचीव करे उत्थे भी उहदी प्लेसमेंट चंगी है लेकिन इंडिया नू या साडे इस पंजाब नू उहनां बच्चों नू प्रेफरेंस देनी चाहीदी है जिहड़े कोर्स साडे कोल चल रहे ने कॉलेजां दे विच जिन्हां दे विच बी एस सी है भावें नॉन मैडिकल है भावें कंप्यूटर साइंस की है भावें दूसरे कंप्यूटर कोर्सिस ने मैं समझदा भी वो विद्यार्थियों की जिहड़ी अब्जॉर्प्शन है जॉब वास्ते वो पंजाब च भी पूरे इंडिया च भी हो सकती है तो विद्यार्थियों ये सोचना चाहिए है भी असी प्लस टू तो बाद इमीडिएटली असी जिहड़ा है वो माइग्रेट करना चाहते हाँ और उ सब तो ज़्यादा उन्होंने की करना पैंदा लेबर करनी पैंदी है इत्थे रह के वो सब तो पहले ग्रेजुएट होन चाहे वो बी एस सी वाले पास आन चाहे वह कंप्यूटर कोर्स वाले पास आन पहले वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करन उस तो बाद फिर वो सोचन भी उन्होंने मास्टर करनी है तो मास्टर वास्ते उन्होंने की ऑप्शनस ने क्या साडे कोल इंडिया दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर घट है कॉलेजेस वधिया नहीं है क्या यूनिवर्सिटीज़ नहीं है सब कुछ इत्थे वधिया हैगा तो आपां नूं कोशिश करनी चाहिए भी पहल साडी आ वह इस देश नूं इस पंजाब की स्टेट नूं जिहड़ी है होनी चाहिए। सर की कहना चाहोगे कि एक कॉलेज जिहड़ा है कंबीनेशन है सारे पी एच डी का जिन्हें जिदे ऐसे माणमत्ते जिहड़े सारे लैक्चरर्स ने और तुहाडी टीम जिहड़ी इस कॉलेज सिख नैशनल कॉलेज है वो एक लड़ी च परोई टीम है जिदे हरेक फैकल्टी जिहड़ी हैगी एक दूसरे के नाल कंधे नाल कंधा मिलांदी है और बच्चों के लिए चाहे बच्चों के फंड्स की गल हो बच्चों को कोई प्रॉब्लम की गल हो चाहे इशार बच्चों वजीफे की गल हो हरेक चीज़ के सारी फैकल्टी नाल। जी सर इस कॉलेज दी कुछ विशेषतावां ने खास गल्लां ने जो क्योंकि मैं भी किसी कॉलेज का विद्यार्थी रहा अमृतसर में पढ़िया हाँ यूनिवर्सिटी गया लेकिन मैनू भी उन्नियां कंसेशंस उन्नियां सहूलत नहीं प्राप्त हुई जिन्नियां सहूलत मैं समझदा भी अज मेरा कॉलेज जिहड़ा है वह विद्यार्थियों प्रोवाइड कर रहा दे रहा उहदा कारण शायद ये भी है भी ये कॉलेज इस इलाके च है भी ये आले दुआले जिन्हें भी पिंड ने नेबरिंग विलेजेस ने उन्हां तों जिहड़े विद्यार्थी आ रहे हैं उन्हां नूं वाकई ही फाइनैंशियल प्रॉब्लम है तो बहुते पेरेंट्स कई बार ये उन्हां दा इक्को ही लॉजिकल सवाल हुंदा है भी इस कोर्स तो बाद साढ़े बच्चे नूं नौकरी कड़ी मिलेगी जदों वो नौकरी की गल करते हैं प्लेसमेंट की गल करते हैं तो असी लगता साडा भी शायद कोई जवाब नहीं है पर जिहड़े विद्यार्थी मेहनत करते हैं लगन के नाल अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं उन्होंने जॉब्स भी मिल जाती है और उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाती है। इस कॉलेज के एक तो मैं ये देखा सर भी जोड़े साड़िया क्लासिज ने वो रेगूलरली कंटीन्यूसली लगती हैं और मेरे अपने बच्चे भी बाहर वे कॉलेज पढ़ते हैं पर मैं उत्थे देख थोड़ा फर्क महसूस किया भी इतने स्टूडेंट तो टीचर का जो एक बॉन्ड बनया हुआ है वो मैं बाहर वे कॉलेज नज़र नहीं आया जो कि उन्होंने को होना चाहिए सी वो शहरों के बने वे कॉलेज ने साडा ये पेंडू कॉलेज है पर इस कॉलेज के विद्यार्थी तो अध्यापक का रिश्ता जोड़ा है वह मैं समझदा भी माँ प्यो तो बच्चे के रिश्ते नालों भी ज़्यादा पवित्र वधिया चल रहा है। इस करके मेरी ये अपील है बेनती है आले दुआले दे लोगों को भी वह भी कोशिश कर इस संस्था को जोड़ा है वो अडोप्ट कर इतने आके पढ़न और देखन इस कॉलेज का माहौल जोड़ा है वह कितना अच्छा है चाहे वह टीचिंग है चाहे वह इस तो अलावा होर गतिविधियां कॉलेज।
ਬਟ ਮਿਸਤਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਸਿਮ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰੂਰਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਉਂਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਦਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹਰ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ